पैंतालीस छियालीस साल हो गए इस पर हम हैं। एक रुपए से स्टार्ट किया था। चाचा ये क्या है? ये इसका ये नफरत वाला शरबत। नफरत वाला शरबत भी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। मैं आज आया हूँ आप लोगों को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद में, जहाँ पे हम आज रोजे का इफ्तार करेंगे और मैं आपको जामा मस्जिद और दिल्ली के रमजानों की रौनक दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी से जो है अभी तकरीबन एक डेढ़ घंटा है रोज़ा इफ्तारी के अंदर, मगर अभी से जो है यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, ज़बरदस्त रौनक और लोगों ने अपनी अपनी जगहों को जो है महफूज करना और घेरना शुरू कर दिया है। ये सब रौनक लेके मैं आज आपके लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप कोई वीडियो देखें मेरा, तो प्लीज़ आप उसको जो है कम से कम ठीक से लंबे टाइम तक या लंबे वक्त तक देखें। उसमें आपको मुझे दिखाने में मज़ा आएगा और आपको समझने में मज़ा आएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त दिल्ली की लज्जतें, दिल्ली के खाने, दिल्ली की चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तकरीबन ये 85-90 साल पुरानी शॉप है। मैं अपने वालिद के साथ कभी यहाँ पे आया करता था, वो इस तरह के नहीं होती थी, मगर अब माशाल्लाह जो है बड़ी रौनक वाली दुकान जो है वो बन गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त जलेबियाँ, इधर समोसे हैं, पकौड़ियों का इंतज़ाम है, लस्सी, ये सारी चीज़ें जो है वो रमज़ान की जो है वो इफ्तार के लिए चीज़ें तैयार हो रही हैं। आइए आगे और लेके चलता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए। जामा मस्जिद रोड पे अल जवाहर होटल और जवाहर होटल, मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ हूँ जो चितली खबर रोड पर है। आप इस रोड पे जब भी आएंगे, किसी भी टाइम पे आएँ, रमज़ानों की रौनक अलग है, नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पे रौनक का जो है पूरा माहौल बना हुआ होता है। रमज़ानों में दही फुल्की खाने का अपना अलग ही मज़ा है। बहुत ज़माने से ये सिर्फ रमज़ानों के अंदर स्पेशली लगाते हैं, बड़े ज़ायक़ेदार मसाले, चटपटी चटनियाँ और उसके साथ साथ बहुत ही ज़ायक़ेदार और चीज़ें ये डालते हैं। खाने का अपना अलग ही मज़ा है। सुबह सहरी के लिए सिवैयें, फेनिए और खजला, ये अपने आप में एक अनूठा संगम है जो कि आपको पुरानी दिल्ली के अंदर जगह जगह पर इस तरह की जो है दुकानें मिलेंगी। जामा मस्जिद की बहुत ही मशहूर और मारूफ दुकान है ये कूल पॉइंट। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ये शाही टुकड़ा जो है खाने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुल्फी देख रहे होंगे आप, मिल्क शेक और अलग अलग तरीके के जो हैं चीज़ें, और ये जो रबड़ी देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी है। अक्सर मेरा यहाँ पे आना होता है जब भी, तो खाना खाने के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है आते हैं और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ यहाँ पे अपने मुँह को खाना खाने के बाद मीठा किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रबड़ी फालूदा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और आगे देखते हैं, देखिए आज बहुत सारे पकवान जो हैं वो रमज़ानों की वजह से अलग अलग चीज़ें आपको इस जगह पे मिलेंगी। और आगे लेके चलता हूँ। तो साहब यहाँ पे जो है अब इफ्तार के लिए पकौड़ियों का इंतज़ाम है, माकूल इंतज़ाम के साथ यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की पकौड़ियाँ
और अलग अलग तरीके की और जो है नमकीन जो है वो मिल रही हैं। चाचा ये क्या है? ये इसका ये नफरत वाला शरबत। नफरत वाला शरबत भी दे रहे हैं और ये मोहब्बत वाला शरबत भी है। मोहब्बत वाला शरबत। तो ये दोनों नाम जो है मतलब आपके तजवीज किए हुए हैं या किसी और ने करेंगे इसके? अच्छा, मोहब्बत और नफरत दोनों साथ साथ चलेंगी। तो ख्वातीनों हजरात, आपने शीरमाल और नान खटाइयों की इतनी ज़्यादा वेराइटीज शायद ही कभी देखी होंगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग तरीके के शीरमाल, देसी घी में डूबे हुए आठ तरह के शीरमाल हैं। सब में अलग अलग क्या खासियतें हैं? काजू का है, बादाम का है, पिस्ते का है, अखरोट का है। हाँ, फुल ड्राई ग्रो करने के बाद। अच्छा, उनका वैक्स होता है, 20 दिन तक खराब नहीं होता विदाउट। 20 दिन तक चलेगा ये? कोई भी खा सकता है, स्वीट होता है, लाइट स्वीट। लाइट के बाद देता है ओके रिपोर्ट। थैंक यू शीरमाल, शुक्रिया। यहाँ पर देखिए आप, चलने की भी जगह, जैसे जैसे जो है वो इफ्तार का टाइम करीब आता जा रहा है, यहाँ पे चलने की भी मुश्किल होनी शुरू हो गई है और रौनक जो है वो अपने आप में बढ़ती नज़र आ रही है मुझे। खाने के लिए लोग जो है वो लाइनों में लगने शुरू हो चुके हैं। ये देखें आप, नवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बख्यार हैं आपके? तो रमज़ानों की पूरी फुल तैयारियाँ एकदम चल रही हैं और वालिद साहब भी जो है एकदम फुल फॉर्म में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हाजी जी जो हैं बड़े मशहूर और मारूफ हाजी जी हैं, जो इनके हाथ का जायका और इनके हाथ का जो मिक्सचर है ये आपको कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिस तरह का जो है ये जायका जो है यहाँ मिलता है, मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी ये जायका कहीं पे भी ट्राई किया है। और जब भी यहाँ पे आना होता है या कहीं बाहर से हमारे कुछ गेस्ट आते हैं, दोस्त आते हैं, तो यहाँ का रिकमेंडेशन सबसे पहले दिया जाएगा। तो आपको कभी भी आना हो जामा मस्जिद तो यहाँ ट्राई किए बिना और नवेद भाई से मिले बिना और हाजी जी का जो है से सलाम किए बिना यहाँ से जाना बनता नहीं है। रमजान में पकौड़ी बेचते भी है, ये हाजी जी की पुरानी परंपरा है। अच्छा, वो इसको चलाने के लिए वो कहते हैं रमजान में कुछ भी रहो सब बंद कर दो, पर इसको कहने करना 45 साल पुराने, 46 साल 45-46 साल हो गए हैं इस परम। ₹1 सर बेचने में है, ₹1 सर, ₹1 से स्टार्ट किया था, ₹1 किलो से। अच्छा, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। ये देखें साहब, ये हाजी जी की जो एक रमज़ानों के लिए परंपरा है, ये उस परंपरा को निभाते हुए इनको हम लोग जो है कीमे की गोलियां बोलते हैं और यहाँ पकौड़ियाँ तैयार है। हाँ, और यहाँ पर जो है वो पकौड़ी है। अरे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। देखो साहब, जामा मस्जिद की बहुत ही मशहूर दुकान कमाल स्वीट पे जो है वो भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। इफ्तार की जो है वो जैसे जैसे वक्फा कम होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, यहाँ पे लोगों की लाइन लग चुकी है। अब ये देखें आप, चार कीमा। तो भाइयों, आप लोगों को ना मैंने अभी आधा ही रास्ता दिखाया है जामा मस्जिद का, अभी आगे बहुत सफर बाकी है। अब आगे जो है सबसे मशहूर और मारूफ यहाँ पर असलम साहब के जो है वो चिकन, मेरे सामने ही दुकान है। मैं आपको अब असलम साहब के यहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको। एक अलग ही मतलब आरोमा और एक अलग ही खुशबू के साथ जो है वो चिकन पेश करते हैं, आइए दिखाते हैं। तो साहब, अब मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के सबसे मशहूर चिकन पॉइंट पर, जो कि असलम भाई का चिकन पॉइंट है, असलम चिकन के नाम से।
यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इंतजाम हैं, मगर इसका जो जायका है ये भी मैं कह सकता हूँ आपको कि बहुत ही मुख्तलिफ है और आपने कहीं और नहीं खाया होगा। इनकी नकल आपको जो है वो इस टाइम हिंदुस्तान के हर जगह पे और हर अलग अलग खत्ते में मिल जाएगी, मगर ओरिजिनल जो शुरू करने वाले असलम साहब हैं वो यहाँ पे हैं। इनका जो है ये बटर चिकन होता है, उसके अलावा अलग अलग चीज़ें डालते हैं। मैं आपको इनकी प्रिपरेशन दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया लगेगा और कभी आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर जो है एक बार चखने के लिए ज़रूर आएँ। फुल पूरा मक्खन जो है वो उसको डाला गया है यहाँ पे। पनीर की गुलाबी जामुन और पनीर की जलेबी, इनका अपना अलग ही जायका है। तो ये है असलम चिकन का नया आउटलेट जो बिल्कुल हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन जो हैं उनके सामने है। जो पहले वाला आउटलेट था वो बहुत पुरानी शॉप है और ये बहुत ही खूबसूरत और 3 या 4 फ्लोर का विद लिफ्ट और फैमिली के साथ आप आइए और इनका एक यूनिक जो जायका है चिकन का वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ख्वातीनों हजरात, भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जामा मस्जिद पे अभी रोज़ा इफ्तार हुआ है। अभी जस्ट नमाज़ पढ़ गया, मैं बाहर निकला हूँ जामा मस्जिद से और जो यहाँ की रौनक है वो आप देख ही रहे होंगे मेरे आगे पीछे और आसपास के पूरे माहौल के अंदर ज़बरदस्त रौनक है। तो आपसे जो है वो गुजारिश है कि फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, इस वीडियो से भी मेरी यही तवक्को है। जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूँगा। और हाँ, एक इल्तजा और है आप लोगों से, आप मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, इसमें एक यूट्यूबर का ये जो मेहनत कर रहा है उसका नुकसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, जल्दी मिलते हैं।